हेलो दोस्तों, देखिए 5 किलो जो हैमर मशीन है इसमें क्रैंकशाफ्ट टूट गया है। बहुत दिन से जब भी चलता है तो क्रैंकशाफ्ट टूट जाता है, तो हम जब भी क्रैंकशाफ्ट चेंज करें तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको जो बैरिंग है बड़ा वाला बैरिंग उनको चेंज करना है। आप जब भी बैरिंग चेंज करें, सस्ता वाला जो सामान मिलता है बैरिंग वो आप कभी भी मत डालना, तो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप एस्केप कंपनी का बैरिंग 5 किलो हमारे में यूज़ करना, बहुत बढ़िया से वार करेगा। मशीन के अंदर जो 4 बैरिंग होता है, आप 4 बैरिंग को नया डाल देना, तो नया डालने से मशीन बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, नहीं तो आप जल्दी जल्दी आप ख़राब हो जाएगा। आप लकड़ी की मदद से पीछे वाला जो हिस्सा है उसको निकाल लेना। आप हैमर से उसको निकालने की कोशिश करो तो ये एल्युमिनियम का होता है और आप टूट सकता है। देखिए गियर कैसे टूट गया है, तो आप गियर को निकालने से पहले सार्किलिप को पहले ओपन कर लेना, उसके बाद आप हैमर से मदद से भी छोटे वाला हिस्सा को निकाल सकते हो। मेरे पास प्रेस मशीन है, इसी से मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए, देखिए आप ठीक से साफ सफाई कर लेना, उसके बाद बैरिंग आप एस्केप वाला जो बैरिंग होता है उसमें इसको फिट कर लेना। 6303 एस्केप का 2-3 टाइप बैरिंग मिलता है, आपको ओरिजिनल बैरिंग डालना है। ओरिजिनल बैरिंग आपको महंगा पड़ेगा, आपको शायद 280 नहीं तो 300 लग जाएंगे। इसमें जब भी आप बैरिंग फिट करते हो सभी से एक गलती हो जाता है, नीचे जो ऑयल सील होता है ना, आपको ऑयल सील को पहले बैठाना है। नहीं तो क्या करते हैं हम, पहले बैरिंग को फिट कर देते हैं उसके बाद ऑयल सील फिट करते हैं, ऑयल सील फिट नहीं होगा। हम आपको करके दिखाते हैं, पहले सर्किल भी हम डाल देते हैं। देखिए तो बाद में दिक्कत हो जाता है, तो आपको हम देखा देते हैं, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने सर्किल फिट कर लिया, उसके बाद हम क्रैंकशाफ्ट नया है, हम नया क्रैंकशाफ्ट फिट कर लेते हैं। मैंने जो फिटिंग है ना, इस फिटिंग को मैं हाथों से हैमर से फिटिंग किया है, और पिछले जो मेरा वीडियो है उसमें मैं प्रेस मशीन से फिटिंग किया हूँ। ऐसे कोई सामान ले लेना तो आपका जो फिटिंग है फिटिंग बढ़िया से हो जाए। देखिए ऐसे हैमर से धीरे धीरे ठोक ठोक के आप इसको फिट कर लेना। नीचे ऐसे कुछ सामान डाल देना, देखिए कितना बढ़िया से मूव कर रहा है। देखिए ये जो ऑयल सील होता है ना, ऑयल सील अभी फिटिंग नहीं होगा, हम आपको फिटिंग करने की कोशिश भी करते हैं। देखिए आप कुछ भी चीज़ से इसको फिटिंग करने की कोशिश कर लीजिए, ये फिटिंग नहीं होगा। ये फिटिंग करने का जो सिस्टम है वो उल्टे साइड से है, इस साइड से फिट नहीं होगा। देखिए हम खोल के आपको दिखा दे, देखिए हम खोल लिए, उसके बाद आपको जो ऑयल सील है ना उसको ऐसे आप इजी फिट कर सकते हो। देखिए
देखिए कितना बढ़िया से फिट हो गया है, आपको ठोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले ओल्ड सील फिट करना है, उसके बाद आपको बैरिंग फिट करना है, उसके बाद आपको सार्कलिप फिट करना है। देखिए आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आपको फिट कर लेना, देखिए फिट हो गया है। बैरिंग को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद देखिए बैरिंग हम फिट कर रहे हैं। देखिए आप धीरे धीरे करके ठोक के बैरिंग को फिट कर लेना, देखिए कितना बढ़िया से फिट हो गया है। तो आप ऐसे करके ऑयल सील को फिट करना है। उसके बाद आप लॉक प्लस लेके सर्किल को फिट कर लेना, ये इनर लॉक प्लस होता है और जो हम पहले यूज़ किया था वो आउटर होता है। देखिए नया क्रैंकशाफ्ट है, देखिए। उसके बाद आप ऐसे कुछ सामान लेके उसको फिट कर लेना, नहीं तो आप दूसरा भी चीज़ दिखाएंगे उसमें रख के आप फिर को फिट कर लेना। सैप थोड़ा जाने के बाद ज़मीन पे लग जाएगा तो हम और कुछ सामान से इसको ठोकने की कोशिश करेंगे। जितना भी जा रहे हम दिखा रहे हैं, उसके बाद देखिए अभी और थोड़ा नीचे जाना है। ऐसे करके आप ठोक के बैठा लेना। देखिए कितना बढ़िया से फिट हो गया है। ये जो ऑयल सील होता है ना, तो जो ऊपर में हम ग्रीस देते हैं, ग्रीस को नीचे आने से रोकता है। जो डोंगचेंग कंपनी का मशीन है उसमें ये ऑयल सील दिया हुआ नहीं है। इस वजह से क्या होता है, बैरिंग से ग्रीसिंग जो होता है ना वो लिक्विड होके आर्मेचर का अंदर आ जाता है। चाबी सैप में फिट कर लेंगे, उसके बाद हम गियर को आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। आप धीरे धीरे करके जो चाबी होता है ना की को फिट कर लेना। फिट करने के बाद गियर को फिट करने से पहले जो की है ना, की के दोनों साइड में आप फेविक्विक थोड़ा थोड़ा करके डाल देना। क्या होता है, आप जब भी इसमें फिट करें तब हैमर से ठोकने से चाबी गिर सकता है, तो आपको गियर फिट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप फेविक्विक थोड़ा थोड़ा डाल लेना दोनों साइड से, उसके बाद आप गियर को ठीक से बैठाने के बाद हैमर से फिट कर लीजिए। आप अच्छे से देख लेना आपका जो सैफ्ट के ऊपर जो की लगा हुआ है आप ठीक से फिट हो गया है। उसके बाद आप फिट हो जाने के बाद आप हैमर से ठोक के ऐसे कुछ सामान ले लेना नीचे, ऐसे कुछ सैफ्ट को ऐसे डालने से बाद आप ऊपर से कुछ ऐसे कुछ सामान लेने के बाद आप उसको तो हैमर से मदद से फिट कर लेना। आप देख लेना आपको फिट हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो खोल के दोबारा से फिट करना। हम आपको
जो काम करने का सटीक तरीका होता है ना, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए बढ़िया से फिट हो गया है। देखिए कितना बढ़िया से ये फिट हो गया है। उसके बाद आप फेविक्विक लेके गियर के ऊपर डाल लेना। शैफ्ट दो तीन टाइप होता है। पिछले बार जो शैफ्ट था उसके ऊपर सरक्लिप लगाने के जाएगा था, तो इसमें है नहीं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं इसमें फेविक्विक डाल लेते हैं। जो की होता है, की का दोनों टाइप होता है, एक छोटे की होता है एक राउंड की होता है। मेरे पास राउंड की वाला शैफ्ट है तो इसलिए इसमें सरक्लिप नहीं फिट होता। मैं आर्मेचर का बैरिंग पहले से खोल के रखा है। आप अच्छे से वीडियो इसमें जो जो काम देखो, बहुत सारे काम ऐसे होता है हम कुछ वीडियो में आपको दे नहीं पाए, तो इसलिए इस वीडियो का हम बनाए हैं। आपको पूरा काम सीखना है तो मेरा और भी वीडियो है 5 किलो हैमर रिपेयरिंग, उसमें जाके आप देख लेना। अब बड़े वाले जो बैरिंग है उसको एस्केप डाल देना, और छोटे छोटे जो बैरिंग होता है उसमें आप ACH डाल लेना। उसके बाद धीरे से ऐसे फिट कर लेना। देखिए कितना बढ़िया से फिट हो गया। उसके बाद मैं हम आर्मेचर को फिट कर लेंगे। मशीन को अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद हम मशीन को फिट कर लेंगे। आप घुमा के भी देख लेना, फिटिंग के बाद बढ़िया से मूव कर रहा है तो आपको फिट भी बढ़िया से हो गया। उसके बाद आप इसमें एक छोटे से बैरिंग है उसको फिट कर लेना, A6001। आर्मेचर का बैरिंग होता है 6201 और आर्मेचर के पीछे जो बैरिंग होता है 608। उसके बाद आप ग्रीसिंग कर लेना। ग्रीसिंग कर ले करने के बाद आप मशीन को फिट कर लेना। अब अच्छे से ग्रीस करने के बाद मशीन को फिट कर लेना। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना।